कानपुर के काकादेव में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मौलवी एक नाबालिग लड़की की जबरन धर्मांतरण कर निकाह करवा रहा है। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की पड़ताल में जुट गई है। आपको बताते चले कि मामला ओमनगर इलाके का है, जहां सोमवार देर शाम एक मुस्लिम महिला ने नाबालिग से जबरन निकाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद बजरंग दल और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मामले के विरोध करते हुए थाने पहुंच गए और जमकर वहां हंगामा किया। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने टीमों का गठन किया और ताबड़तोड़ दबिश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी पश्चिम बीबीजीडीएस मूर्ति का कहना है कि मामले में चार लोगों की मिलीभगत पाई गई थी, इसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने में जुट गई है, जांच पूरी होते ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप लोगों को सभी को विदित है कि काकादेव थाने पर काकादेव थाने के अंतर क्षेत्र के अंतर्गत एक धर्म परिवर्तन के मामले का एक मामला संज्ञान में आया है। उसी में हम तुरंत जुट गए हैं और उस मामले में जो चार आरोपी जो चिन्हित किए गए हैं और जिनका संलिप्तता पाई गई है, उनसे उनको हमने गिरफ्त कर लिया है और दाखिल भी हो रहे हैं। नहीं, अभी तो फिलहाल तहरीर के आधार पर तो यही पता चला कि धर्मांतरण का मामला है। जांच के विषय है, जांच चल रही है, जो भी अन्य विषय सामने आएगा आपको विदित किया जाएगा। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस, न्यूज प्लस 24/7। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।